एक महिला अपनी शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची। मामला गोलमुरी पीएस क्षेत्र का है, जहां एक बिल्डर और फ्लैट ओनर के बीच में कुछ कहा सुनी या कुछ पुरानी दुश्मनी या किसी बात को विवाद को लेकर आपस में बड़ी नाइत्तफाकी है। उस फ्लैट ओनर ने वो अपना फ्लैट किसी लेडी टीचर को दे रखा था। उसी दौरान वो 1.5 साल से रह भी रही थी उस फ्लैट में, जो टीचर ने खुद भी बताया। लेकिन बिल्डर के कुछ लोग उसके फ्लैट में घुस गए और शायद उसके साथ मारपीट करी, उसके साथ बदतमीजी करी और बहुत कुछ ऐसा कहा जो हम ना रिपीट कर सकते हैं ना आपको सुना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि पुलिस इस केस में संज्ञान लेगी और ज़रूर तफ्तीश करके उन लोगों को कटघरे में ज़रूर खड़ा करेगी जिन लोगों की गलती है। आइए सुनते हैं लेडी टीचर ने क्या बताया। 21 तारीख के दिन जब हम ट्यूशन, हम पुलिस लाइन में टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, हम जब पढ़ा के अपने फ्लैट वापस गए उस वक्त अचानक से दरवाज़ा ठोका गया। जैसे ही दरवाजा, वो गुंडा सबको पीट दिया और फिर उन्होंने हमको अपने घर से बाहर निकाल दिया, कहेंगे कि तुम ऐसे कह करके बिल्डर बहुत मेरे को परेशान करके रखे हैं। आपको देने वाला भी मॉन्डन था? जी हाँ। फ्लैट किन का है? फ्लैट मेरे ओनर का है। उन लोगों का कोई विवाद था और फिर बिल्डर हमको आकर के हम कि ये यहाँ पर रह रही है, यहाँ हम पिछले 1.5 साल से उस फ्लैट में रह रहे हैं। अरे तो आप रह रही तो परेशानी इसको क्या है? इसका जो भाई है महमूद और गुड्डू, वो लोग कंटिन्यू हमको छेड़ते थे, कंटिन्यू छेड़ा छाड़ी किया करते थे। पुलिस हम जिस जगह पे मेरा फ्लैट है वहाँ से जब वॉक करके नीचे आते थे, पुलिस लाइन में हम पढ़ाते हैं, कम से कम 12 घर में हम ट्यूशन पढ़ाते, सब पुलिस वालों के बच्चे हैं, और वहाँ पर हमेशा मेरे को ऑन द वे हमेशा वो लोग मेरे को छेड़ते थे, मेरे को परेशान किया गया। और उस दिन तो मेरे को मारा पीटी किया गया है इतना ज़्यादा कि, और घर खाली करने के मेरा सामान तक को फेंका गया है। गोलमुरी थाना, और फिर जिस टाइम हम गोलमुरी थाना इस कंप्लेन को लेकर के गए। आप किसके फ्लैट में रहती है? हम जिनके फ्लैट में रहते हैं। क्या नाम है? इनका नाम जिशान खान है, हमीजाजा खान है, इनके फ्लैट में हम रहते हैं। इन लोगों का, वो लोग का आपस में दुश्मनी है? हाँ, उन लोगों का कुछ दुश्मनी नहीं, कुछ विवाद है, कुछ पैसा को लेकर कुछ है इन लोगों का, जो मेरे को किसी मतलब इन सब चीज़ से हमको कोई मतलब नहीं है। और हम तो खुद, हम एक टीचर हैं, हम सुबह जाते थे 10 बजे और रात को हम 8:30 बजे या फिर 7-8 बजे इस टाइम पे वापस आते। वो फ्लैट में कितने साल से? 1.5 साल से हम वहाँ रह रहे हैं। इस तरह का विवाद को, आपके मकान मालिक भी तो मुस्लिम थे, वो कैसे थे? वो तो बहुत अच्छे थे, उन लोगों से मेरा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे को जो मारा गया है, मेरे को पीटा गया है इस चीज़ का, और जो तक गाली गलौज मेरा किया गया है, मेरे को उस चीज़ से सीट के जो बाहर निकाल, इस चीज़ का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जिस दिन आपके साथ मारपीट की घटना घटा, क्या आपके साथ मारपीट, लैंडलॉर्ड के साथ मारपीट, दोनों के साथ मारपीट हुआ? जी हाँ। क्या हुआ था पूरा बताइए ना, बता दी कहीं? यही हुआ था कि जिस टाइम हम, हमको कुछ नहीं पता था, कुछ आवाज़ आ रहा था ऊपर 5-6 तल्ला से, लेकिन हम ध्यान नहीं दिया, हम अंदर घुस गए। अचानक से वो लोग मेरे पास हैं, बाद में मेरे को पता चला कि वो लोग सब गए हैं ऊपर 5वां तल्ला। बाद में ये सब हमको पता चला जब मेरे लोग मेरे को बचाने, मेरे लैंडलॉर्ड, उनकी मम्मी, इनफैक्ट मेरे, हमको जब ये लोग पीटा, मेरी सबसे पहले शबनम आंटी थी जो मेरे को बचाने आई, इन मेरे लैंडलॉर्ड की मम्मी, उनको मारा गया है, मेरे को भी मारा गया है। और फिर मेरे दोनों, फिर ऊपर से दोनों भैया आए नीचे, वो लोग आकर के हम लोगों को बचाए, सबको धक्का मुक्की करके हम लोग जैसे तैसे ऊपर 5वां तल्ला चढ़े। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति बेनोवाला।